हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं गणित के पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, इसमें आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है। पूर्णांक आपका होगा 75 नंबर का। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो आप इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए निर्देशों का पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। पहला दिया हुआ है 96 और 404 का ICF होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 120, 4, 10 और 3। तो दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम आपको वीडियो क्लास में बताएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यंक -3 एवं 4 हैं होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, x² - x + 12। दूसरा दिया हुआ ऑप्शन x² + x + 12। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है x² / 2 - x / 2 - 6। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 2x² + 2x - 24। दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो α+β का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए, पहले ऑप्शन में दिया हुआ -b/a, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ b/a, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ a/b और चौथे ऑप्शन में दिया हुआ -a/b। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक्स अक्ष से बिंदु P2, 3 की दूरी है। 4 ऑप्शन दिए हुए, पहले ऑप्शन में 2, दूसरे ऑप्शन में 3, तीसरे ऑप्शन में 1 और चौथे ऑप्शन में 5। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ए ऑप्शन 30 डिग्री, बी ऑप्शन 45 डिग्री, सी ऑप्शन 60 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन 75 डिग्री। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है निम्नलिखित है। ए ऑप्शन π/180 × 2πr। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है π/180 × πr². तीसरा दिया हुआ ऑप्शन π/360 × 2πr। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है π/220 × 2πr². फिर इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। दोस्तों, देख सकते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, सही जोड़ी बनाइए। ये भी 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ, सतसत लिखिए। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। दोस्तों, हम सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बताते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 96 और 404 का ICF होगा, 120, 4, 10 या फिर 3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 4, बी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 ही होगा। x² - x + 12 x² + x + 12 x² / 2 - x / 2 - 6 2x² + 2x - 24। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा x² / 2 - x / 2 - 6। सारा नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हों तो α+β का मान होगा -b/a, b/a, a/b या फिर -a/b। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका -b/a, ए नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स अक्ष से बिंदु P2, 3 की दूरी है, 2, 3, 1, 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 3, बार नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। पांचवा दिया हुआ है, एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 75 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 30 डिग्री, ए नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है निम्नलिखित है। तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा डा नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, π/720 × 2πr². दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया हुआ, इसमें
ऐसा एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है रिक्त स्थान समीकरण कहलाता है, तो उत्तर हो जाएगा रैखिक। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विभक्तकार है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 0। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ समांतर श्रेणी 3/2, 1/2 - 1/2 - 3/2 में सर्वांतर d बराबर रिक्त स्थान है, तो सर्वांतर हो जाएगा इसका -1। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ सर्वांगसम त्रिभुज रिक्त स्थान होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा इसका समरूप। पांचवा दिया हुआ है किसी बिंदु की वाई एच से दूरी रिक्त स्थान कहलाती है, तो उत्तर हो जाएगा इसका एक्स निर्देशांक। छठा दिया हुआ है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर रिक्त स्थान होती है, तो उत्तर हो जाएगा इसका लंब। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सही जोड़ी बनाइए, तो 6 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। एक तरफ खंड आ दिया हुआ, एक तरफ खंड बा दिया हुआ है। खंड यहाँ में दिया हुआ है समरूप चतुर्भुज, तो इसका हो जाएगा वर्ग। दूसरा दिया हुआ है मूल बिंदु से एक्स वाई के बीच की दूरी, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट में x² + y². तीसरा दिया हुआ है sin 0 का मान 0। चौथा दिया हुआ है 1 + cot² θ, तो ये हो जाएगा cosec² θ। पांचवा दिया हुआ 10 45 डिग्री का मान, तो ये हो जाएगा 1। छठा दिया हुआ शंकु का आयतन, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 πr² h। जल्दी से नोट कर दीजिएगा अपनी कॉपी में। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला दिया हुआ है 2√2, √2, 0 रिक्त स्थान का अगला पद क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा इसका -√2। दूसरा दिया क्वेश्चन दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए, उत्तर हो जाएगा जो वस्तु हम देख रहे हैं और हमारी आँख को मिलाने वाली रेखा, वस्तु और हमारी आँख दोनों को मिलाने वाली बीच की रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए, तो उत्तर हो जाएगा इसका 2πr θ/360°। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है अर्धगोले की आयतन का सूत्र लिखिए, तो उत्तर हो जाएगा इसका 4/3πr³। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ है माध्यिका का सूत्र लिखिए, तो उत्तर हो जाएगा इसका (m)√(n/2 − cf(1)(h)/f। फिर इसके बाद छठा क्वेश्चन दिया हुआ समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए, तो उत्तर जाएगा इसका (a, a+1d, a+2d). पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है सतसत लिखिए, पहला दिया हुआ है प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, तो ये आपका असत हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है (x²−4x+4)0 के मूल बराबर हैं, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। तीसरा दिया हुआ है 1, 2, 1, 3 फिर इन द ब्लैंक्स एक समांतर श्रेणी है, तो उत्तर जाएगा आपका असत्य। चौथा दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × (a)² × (c)² होता है, उत्तर हो जाएगा इसका सत्य। पांचवा दिया हुआ है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। छठा दिया हुआ है शंकु का आयतन बराबर πr² h है, उत्तर हो जाएगा असत्य। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं छठा क्वेश्चन दिया हुआ है 156 को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, 2 नंबर का आएगा। अथवा में दिया हुआ है LCF दिया हुआ 306.657/9 दिया है, LCM 306.657 का मान ज्ञात कीजिए, तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सारे क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जो 2-2 क्वेश्चन में से आपको सारे एक एक क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।